हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नागपुर हॉस्पिटल हमारी मामी को देखने के लिए। अभी फोन आया था हमारे पास, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो अभी हम चलते हैं और फिर आपको आगे आज नागपुर हॉस्पिटल दिखाएंगे आपको। रोड खाली पड़ा है, हम लोग बाईपास से जा रहे हैं और यहाँ से हमें लगेगा 15 किलोमीटर है, 10-15 मिनट का समय लगेगा, फिर आपको आगे दिखाएंगे हम। अभी देखते हैं कैसी तबीयत है उनकी, 3-4 दिनों से एडमिट है वो और हमारे साथ है हमारी मम्मी, देखिए आप। और अभी मामा, आप देखते हैं वहाँ पे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं नागपुर हॉस्पिटल और आगे आप देखिए, आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे ऊपर, तीसरे फ्लोर पर एडमिट है वो हमारी मामू जी, और देखिए आपको दिखाते हैं नागपुर हॉस्पिटल इस तरफ है लेफ्ट हैंड पे। अभी हम आ गए हैं गाड़ी में, मम्मी वहीं पे बैठी हैं क्योंकि वो महिला वार्ड है, इसलिए हम लोग बाहर आ गए हैं और मम्मी बात कर रही हैं। अभी मैंने बात की उनके लड़के से तो बता रहा है कि हम 8-10 दिन से एडमिट हैं, अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है। दोस्तों प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति आप देख रहे हैं, 10 दिन से उनको एडमिट करके रखा है सिर्फ पैसे के लिए, वो अभी तक ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं और रोज नया बहाना बना के उनको बिठाने रखा है और पर डे का चार्ज उनका बढ़ता जा रहा है, कहीं कुछ रिपोर्ट नहीं आई है, कभी बोलते हैं आपका ब्लड कम है, कभी बोलते हैं आपका ये टेस्ट नहीं है वो टेस्ट नहीं है। तो अभी हमको यहाँ हॉस्पिटल में आके बहुत बेकार स्थिति है लोगों की, और लोग हॉस्पिटल वाले ये नहीं समझते कि कोई व्यक्ति परेशान है, बेचारा गरीब है तो उसको मदद की जाए, बस पैसे को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अभी हमने बात की है, अब आगे हम उनकी हेल्प करेंगे जो भी हमारी हेल्प बनेगी, और उसके बाद फिर हम जाएंगे, अभी मम्मी आएंगी थोड़ी देर से, तो फिर उनका जब ऑपरेशन अगर 2-3 दिन में नहीं होगा तो फिर हम उन पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी करवाएंगे। तो दोस्तों
अभी आगे की वीडियो आपको हम बताएंगे। तो हम जा रहे हैं घर, अभी डॉक्टर से बात हो गई है, 5 बजे ऑपरेशन हो जाएगा उनका, और अब कल फिर आगे हम देखेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए।